और कह सकते हैं कि वेस्ट इंडियन जो फैंस हैं उसके लिए बहुत ही खुशखबरी कह सकते क्योंकि आ, जिस तरीके से स्टूअर्ट ब्रॉड अभी पागल हो चुका है और आई मीन I mean, totally ही टोटली इज इन फैंटास्टिक फॉर्म द जो फर्स्टेशन है उसका जो फर्स्ट टेस्ट में उसको नहीं खिलाया आई थिंक बच गई है वेस्ट इंडीज़ आज के दिन के लिए अगर कल रेन देखो यार एक सेशन भी मिल गया ना इंग्लैंड इनको ऑल आउट कर देगी तो अगर कल रेन होती है तो इंग्लैंड पक्का रोएगी ये बात तो तय है लास्ट डे है फोर्थ डे ऑफिशियली कॉल्ड ऑफ विदाउट सिंगल बॉल बिंग बोल्ड और अ, 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 अगर मैं बात करूँ कि अगर स्टोर ब्रॉड शायद फर्स्ट टेस्ट में अगर खेलता तो स्टोक्स अ, का चांसेस कम था अ, जो हम कह सकते कि मैन ऑफ द सीरीज़ बनने के लेकिन अब स्टोक्स ही बनेगा लेकिन कल भी आ देखते हैं इंग्लैंड मतलब देखो घर रेन रहती है तो वेस्ट इंडीज बच जाएगी अदरवाइज इंग्लैंड विल विन श्योरली देर इज टू रिजल्ट ओनली इफ बिकॉज ऑफ रेन में बी द मैच विल बी ड्रॉ एंड अदरवाइज इंग्लैंड विल विन ईजीली सो लेट्स सर्व फॉर द बेस्ट ऑफ आई मीन इंग्लैंड ट्राई वेरी हार्ड आई मीन दे वर्क वेरी वेल ऑन लास्ट टू टेस्ट एक्चुअली सेकेंड एंड थर्ड टेस्ट दे आई uh, मीन I mean, uh, यार फील करेंगे हम वी आई मीन स्लाइटली आई एम आई मतलब कह सकते कि मैं सोच नहीं पा रहा हूँ कि क्या इमोशंस रखूँ क्योंकि एक्चुअली आई एम हैप्पी बिकॉज ऑफ रेन एंड वेस्ट इंडीज़ एक्चुअली नॉट लूज दिस मैच होपफुली द नेचर पे डिपेंड है सब कि क्या होगा मैं तो खुश हूँ अगर कल भी रेन हो जाती है तो uh, Uh, और इंग्लैंड भी जीतती है तो इतना शायद नहीं खुश हूँ लेकिन मज़ा आ जाएगा क्योंकि इंग्लैंड 23 टेस्ट मैचेस टेस्ट चैंपियनशिप में खेलने वाली है यार तो अच्छा है ना अगर उनको उनके हाथ से एक सीरीज निकल जाती है तो तो देखते हैं कल क्या होता है आई डोंट नो अबाउट वेदर फोरकास्ट मैंने सुना है कि ऐसा ही वेदर होगा लेकिन इतनी ज़्यादा रेन नहीं होगी लेकिन ऑन डे नो प्ले नथिंग एट ऑल सिक्स ओवर्स टेन रन टू विकेट्स वेस्ट इंडीज़ एंड आई विल अपडेट यू लेटर बिकॉज नाउ नो प्ले एंड फिफ्थ डे के बारे में अगर बात करूँ तो हम मैं अगर थाउजेंड सब्सक्राइबर होते तो मैं लाइव कॉमेंट्री भी कर देता बाद में करूँगा मैं होने के बाद तो मैं आपको जरूर बताऊँगा फिफ्थ डे के बारे में बाय गाइड्स